वेलकम टू सद्भावना न्यूज़ एंड अंतरंग। बिजली वितरण कंपनी मीटरीकरण में तेजी के लिए मीटरों के परीक्षण की अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं तैयार कर रही है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, बड़वा, बुरहानपुर, देवास, मंदसौर, धार आदि स्थानों पर कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक टेस्टिंग बेंचें स्थापित की गई हैं। उच्च स्तर की इन परीक्षण प्रयोगशालाओं पर 9 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इससे मीटरीकरण में तेजी आएगी, साथ ही जिन उपभोक्ताओं को मीटर पर संदेह लगेगा वे अत्यंत कम समय में परीक्षण कराकर संतुष्टि प्राप्त कर सकेंगे। बिजली कंपनी के मुख्य अभियंता मीटर परीक्षण RS खत्री ने बताया कि मीटर टेस्टिंग कार्य को तेजी से एवं सबसे अत्याधुनिक रूप में करने के लिए सभी प्रमुख प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया गया है। इन स्थानों पर पूर्णतः कंप्यूटराइज रिपोर्ट अत्यंत कम समय में प्रदान की जा सकेगी। इससे मीटरीकरण कार्य में भी तेजी आएगी, क्योंकि उपयोग के पहले बिजली कंपनी सभी मीटरों की स्वयं भी प्रयोगशाला में भी जांच करती है। इसके साथ ही विजिलेंस एवं अन्य प्रकरणों के कार्यों के साथ ही उपभोक्ता संतुष्टि की दिशा में भी ये अत्याधुनिक मीटर परीक्षण स्थल कारगर साबित होंगे। गत दिनों बड़वा की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का शुभारंभ कार्यपालक निदेशक संजय मोहासे, अधीक्षण यंत्री मीटर परीक्षण अचल जैन एवं खरगोन के अधीक्षण यंत्री DK गाठे ने किया था। कंपनी क्षेत्र की मासिक मीटर परीक्षण क्षमता एक पारी के हिसाब से 58,000 मीटर हो गई है। तीन पारी में ये तिगुनी तक हो सकती है। मीटर परीक्षण प्रयोगशालाओं में से इंदौर और उज्जैन को सबसे अत्याधुनिक एवं राष्ट्रीय स्तर के पैमाने वाला स्वरूप दिया गया है। नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर कैलिब्रेशन एंड लेबोरेटरी यानी NABL स्तर की ये दोनों प्रयोगशालाएं आगामी 3 माह में NABL प्रमाणीकृत हो जाएंगी। इससे वर्तमान में खरीदे गए मीटरों के अभा स्तर की लैब में भेजने। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।